नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल बैठ का। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी को लेकर सियासत तेज है। लगातार इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। आज बैठका में इसी पर विस्तार से बातचीत होगी, जिसके लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का बैठका। इस पूरे मामले में यानी ईडी की कार्रवाई में जहां एक तरफ भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस केंद्र सरकार पर ईडी और आईटी का दुरुपयोग कर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के ठीक पहले ईडी की दबिश ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। ईडी ने सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के छापेमारी कर गहने और नकद जब्त करने का दावा किया। सीएम के ओएसडी पर भी कार्रवाई की, लेकिन चुनाव के ठीक पहले हुए इस कार्रवाई की गूंज रायपुर से दिल्ली तक सुनाई दी है। भाजपा ने इस मामले में जहां राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार को निशाने पर लिया, वहीं छापे के दूसरे दिन विनोद वर्मा खुद मीडिया के सामने आए। उन्होंने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर अपने घर में डकैती का आरोप लगाया। विनोद वर्मा ने कहा कि मेरे घर से जितना सोना और नकद राशि जब्त की गई है उसकी रसीद मैंने दी, इसके बाद भी ईडी ने जब्ती की कार्रवाई की। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी की कार्रवाई को लेकर दिल्ली पहुंचे। सीएम ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी की कार्रवाई को लेकर अपना पक्ष रखा है। आईटी ने रेड डाला, जितने भी जिसे शराब घोटाला के नाम से प्रचारित किया गया, और इस शराब घोटाले में 2019-2020 में केक की रिपोर्ट भी है, वहाँ उन्होंने जांच भी की। उसके बाद 2.5 साल तक के वो चुप रहे। चुनाव नज़दीक आते हुए जबकि सारे कागजात ईडी को सौंप दिया गया था, उसके बाद ईडी सक्रिय होती है और फिर उन्हीं लोगों को बुलाते हैं और कहा जाता है कि 2168 करोड़ के घोटाले हुए। ये जब पैसा जब्त हो रहा है तुम्हारे पास हो रहा है, बीजेपी वालों के पास तो होता नहीं। तुम्हारे चीफ मिनिस्टर ऑफिस में लोगों के पास हो रहा है, तुम्हारे सलाहकारों के पास हो रहा है, तो किसके साथ संबंध है और मोटी रकम कहाँ से ली जा रही है ये तो ईडी ने प्रमाणित कर दिया। इसके बाद कौन बीजेपी को एक पैसा दिया? 75 करोड़ का हिसाब है भाई, एकदम परफेक्ट तानाशाह की तरह जो है वो काम करता है, जिसमें अपने सारे प्रतिद्वंदियों को रौन दो, कुचल दो, मार दो, जेल में भर दो। विपक्ष नाम का कोई संस्था बचे ही मत विपक्ष नाम की, इसके अलावा कोई चीज हो नहीं सकती। कोई भी जांच एजेंसी अगर कहीं कार्रवाई करने जाती है तो एक आधार लेकर जाती है। कल मैं बार बार उनसे पूछता रहा कि क्या आधार है बता दीजिए, इस मनोहर कहानी के अलावा, इस सत्य कथा के अलावा तथाकथित, उनके पास कोई जवाब नहीं था। बोले ये हम आपको नहीं बता सकते। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ बैठका में हैं नितिन भंसाली जी, प्रवक्ता कांग्रेस। हमारे साथ हैं अशोक बजाज जी, नेता बीजेपी। हमारे साथ हैं के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल अशोक बजाज जी आपसे है, जैसा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ भी कहा दिल्ली उड़ान भरने से पहले, दिल्ली में भी उन्होंने एक बात कही कि सरकार से डरी हुई है दरअसल बीजेपी, इनके पास कोई चेहरा नहीं और इसीलिए अब ईटीआईटी का सहारा लेकर हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं या सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप क्यों लगा रहे हैं आप पर? देखिए, चुनाव है और चुनाव के समय इस तरह के आरोप लगते हैं। चुनाव है, कांग्रेस का धर्म है कि भाजपा के खिलाफ आरोप लगाना। अब ये ईडी ने जो छापेमारी की, कागज जब्त किए, क्या किए, इससे भाजपा क्या लेते? वो तो संवैधानिक संस्था है, एक स्वतंत्र इकाई है और उसको अपना काम करना है। वो अपने समय के हिसाब से अपना किसके छापा मारना है, क्यों मारना है, उनके सूत्र क्या है, इनको सार्वजनिक थोड़ी करेंगे वो लोग।
अब हमको भी नहीं पता, हमने तो अखबारों में पढ़ा कि भाई यहाँ पर छापेमारी हुए, यहाँ यहाँ छापेमारी हुई। अब ये एक प्रकार से सहयोग ही रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था, ये अलग बात है, ये केवल संयोग हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ छापेमारी हुई और जिस प्रकार से गलत चीजें पकड़ी गई और धन राशि जब्त हो रही है, कई लोग पकड़े गए, अदालत में उन जमानत नहीं हो रही है, तो ऐसे लोगों के लिए कोई मुहूर्त निकाल कर कोई छोड़ी छापा मारेगा भाई? ये तो सब राजनीतिक आरोप है मुख्यमंत्री जी के, उनको ऐसा आरोप लगाना नहीं चाहिए। और ईडी को भ्रष्टाचार खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ना चाहिए और सबको इस कार्रवाई का स्वागत करना चाहिए। लेकिन अशोक बजाज जी, कांग्रेस ये कह रही है कि ये ईडी तो चुनाव के वक्त ज्यादा एक्टिव होती है, या कांग्रेस जब जब कुछ बेहतर करने की कोशिश करती है तब तब किया। आपने कहा कि इत्तफाक हो सकता है कि जन्मदिन था, ये संयोग हुआ, महाधिवेशन कांग्रेस का जहां महाधिवेशन हुआ था तब भी इसी तरह की कार्रवाई पूरे छत्तीसगढ़ में चल रही थी, मुख्यमंत्री जी ने इसका भी जिक्र किया। जब जब कुछ बेहतर होता है तब तक काम खराब करने की आप लोग कोशिश करते हैं, तो ये हमेशा संयोग ही बनता है या वाकई में अस्थिर करने के लिए या दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं? जी, मैं कोई ईडी का प्रवक्ता तो नहीं कि इस बात की जानकारी दूंगा, तो वो ईडी वाले बताएंगे कि समय क्यों चुना है उन्होंने। लेकिन सवाल इस बात का है कि उनका कार्यक्रम समय पर चलता है और पूरी जनता देख रही है आज आप चैनल के माध्यम से, और सबको ये पता है कि ईडी की कार्रवाई एक दिन में तैयार नहीं होती, तो कई महीनों तक वो एक्सरसाइज करते हैं, सारी जानकारी जुटाते हैं और तथ्य लेते हैं, उसके बाद ही छापेमारी करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि आज पता चला कि आज इनका जन्मदिन है, चलो आज चले चले छापा मारने, ऐसा नहीं होता होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। कांग्रेस वृथा विलाप कर रही है, ये भ्रष्टाचार के प्रकरण है। और जिस तरह से आज अब छत्तीसगढ़ की जनता विकास न होने के कारण चिंतित है, आज सड़कों का काम नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नहीं हो रहे हैं, और 5 साल तक छत्तीसगढ़ का विकास पूरी तरह अवरुद्ध है, और यहाँ तक कि छोटे छोटे जो कर्मचारी हैं जिनको मानदेय मिलता है, 6-6 महीने से मानदेय नहीं मिला है, इसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए, लेकिन सरकार कर नहीं रही है और चारों तरफ अराजकता फैली हुई है। ठीक। किसान नाराज, मजदूर नाराज, कर्मचारी नाराज, नौजवान नाराज, हर वर्ग में हताशा निराशा है, उदासी का वातावरण है, और इसको भटकाने के लिए इस प्रकार कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी हो रही है। और फिर भी आपने कहा इतने विषय हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस कहती है कि बीजेपी को ईडी का सहारा लेना पड़ता है। नितिन बंसाली जी, आपका रुख करते हुए, जैसे अशोक बजाज जी कह रहे हैं कि ये तो एक प्रक्रिया है, सब कुछ प्रक्रिया के तहत समयबद्ध होता है, ईडी करती है, और ईडी की कार्रवाई पर आप पहली बार शक नहीं कर रहे हैं, हमेशा कर रहे हैं, तो ये शक क्यों होता है? और ऐसा नहीं है कि ये जो जिस तरह से महादेव सा टाइप को लेकर जिस तरह की कार्रवाई हुई या भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी जो कह रही है वो पहली बार कह रही हो, या ये कार्रवाई अभी कल से ही शुरू हुई हो, ये तो लगातार चली रही है। बड़े ही मासूमियत से जवाब दे रहे थे, मैंने अभी देखा कि ये संयोग नहीं है। मैं कहता हूँ अशोक बजाज जी, ये संयोग बार बार क्यों होता है ऐसा? जब कांग्रेस का 85वां अधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होता है, तब ईडी उसको डिस्टर्ब करने के लिए छत्तीसगढ़ में छापेमार कार्रवाई करती है, मुख्यमंत्री का जन्मदिन होता है तब उनके सलाहकार और उनके ओएसडी को चुन चुन कर, आप ये देखिए, चुन चुन कर ऐसे जगहों पर ही छापे मारे गए तो सीएम के बिल्कुल नजदीक थे, तो ये संयोग नहीं है, ये दुरुपयोग है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। और जो लगातार आप कह रहे हैं कि 8-10 महीने जो है ईडी एक्सरसाइज करती है, अरे तो 8-10 महीने एक्सरसाइज करने के बाद जब वो रेड करती है, और जिसके यहाँ रेड होती है वो ये पूछते हैं कि भाई ये तो बताइए कि आपने हमारे यहाँ छापा किन तथ्यों के आधार से मारा और किस लिए मारा, तो वो कहते हैं हम बता नहीं सकते। तो ये तो सरासर ये साफ साबित होता है, मैं तो हर डिबेट में ये कहता हूँ कि बीजेपी के 3 जमाई ईडी आईटी सीबीआई सरकारों को जिस
स्थिर करना, चुनी हुई सरकारों को गिराना, लोगों को, नेताओं को ब्लैकमेल करना, ये काम आपकी केंद्र सरकार इस एजेंसी के माध्यम से कर रही है। क्या इस एजेंसी का गठन इसलिए किया गया था चुनी हुई सरकारों को डिस्टर्ब करने के लिए और ब्लैकमेलिंग करने के लिए? ये साफ प्रतीत होता है। इतने महीने हो गए, ईडी की लगातार कार्रवाई हो रही, ये सारी चीजें आप देखिए, सारी चीजें संदेहास्पद है। रेड मारना संदेहास्पद, उसके बाद चार्जशीट को पेश करना संदेहास्पद, किसी को गिरफ्तार करना, किसी को गिरफ्तार नहीं करना, ये संदेहास्पद, किसी को बेवजह आरोपी बना देना, ये भी संदेहास्पद। कोई व्यक्ति पहले ही अपने, मतलब आप मान लीजिए सोनल जी कि 2010 में किसी ने संपत्ति खरीदी है, उसको बोलते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग की है, 2020 में उसको मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से खरीदा, ये बोल के अटैच कर देते हैं। तो इनकी कार्रवाइयां सारी टाइमिंग देखकर होती है और ये समझ आ गया है, ये छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ऐसा उत्तर प्रदेश में भी हुआ था चुनाव के समय, असम में भी हुआ था, कर्नाटक में भी हुआ था, और ये छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। तो जनता जो ये कह रहे थे ना, जनता ये जान चुकी है कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग आप किस तरीके से करते हैं, ये सबको समझ में आ रहा है। और अब ये लड़ाई न्यायालय की होगी और न्यायालय में सत्य परेशान होगा, पराजित नहीं, और मुंह की खानी पड़ेगी आप लोगों को, ये भी तय। ठीक है अशोक बजाज जी, इस पर आपको कुछ काउंटर करना है? जैसे अभी नितिन भंसाली जी ने भी कहा, विनोद वर्मा ने भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा, कि जो भी गहना, जो भी चीजें मेरे घर थी उसका बाकायदा मैंने रसीद दिखाई है, उसके बावजूद भी जब्ती करके ले गए, ये क्या बात होती है, ये किस तरह की कार्रवाई होती है? और आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ मिला है। इस देश में कानून का राज है, न्यायालय का द्वार सबके लिए खुला है, अगर ईडी गलत कर रही है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। न्याय पाने का सबको अधिकार है, अदालत के दरवाजे सबके लिए खुले हुए। हाँ, तो नितिन भंसाली जी तो कह ही रहे हैं कि वो जाएंगे, वो कांग्रेस जाएगी और खटखटाएंगे। नितिन जी, वैसे कुछ ही नहीं है, कुछ बात ही नहीं है, तो फिर इतनी विचलित क्यों हो रहे हैं? क्यों यहाँ भी वही बात, क्यों दिल्ली में जाकर भी वही बात, जब कुछ नहीं है तो कुछ निकलेगा ही नहीं, कुछ है तो, चूंकि आप तो किसी भी संवैधानिक संस्था पे विश्वास नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है, हम क्यों नहीं करते संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास? आप 2014 से पहले की रिकॉर्ड उठाकर देखिए, ऐसा होता था क्या कि जो व्यक्ति अजीत पवार, छगन भुजबल, हेमंत बिस्व शर्मा, ये लोग चार दिन पहले इनके प्रधानमंत्री उनको गालियां बकते थे कि ये जो है ये भ्रष्टाचारी है, इनके ऊपर करोड़ों रुपए के करप्शन के आरोप है, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयां चलती होती, और दूसरे दिन वो भाजपा में आ जाते हैं, गले मिलकर उनके पीठ थपथपाते हैं और सरकारें गिराकर सरकारें बना लेते हैं। तो इससे तो देखिए सोनल जी, ये साफ समझ में आता है कि इन एजेंसियों का उपयोग नहीं, दुरुपयोग कैसे किया जाता है, ये लोग कर रहे हैं। और अब जो ये लड़ाई होगी, न्यायालय की लड़ाई होगी, और बिल्कुल देखिएगा इनको, मैं वापस कहता हूँ, मुंह की खानी पड़ेगी। और एक चैलेंज और करता हूँ, जितने मामले छत्तीसगढ़ में ईडी के इन्वेस्टिगेशन में, एक भी मामले में एक रुपये का आरोप ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे इनके पास है ही नहीं, मुद्दा विहीन लोग है, मुद्दा विहीन विपक्ष है, और बिना दूल्हे की बारात है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी, जो कि कोई सहारा नहीं मिल रहा है, तो ईडी नामक बैसाखी के जरिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। ठीक है, के शर्मा जी का रुख करते हुए, के जी, कौन किससे डर रहा है? कांग्रेस ईडी से डर रही है, सरकार ईडी से डर रही है, या बीजेपी चुनाव से डर रही है? जैसे मुख्यमंत्री कह रहे थे कि चेहरा नहीं है, इनके पास कोई विषय नहीं ये सब कराने के अलावा। देखिए सोनम जी, आपने जो सवाल किया है डर से, डर तो उसे चाहिए जिसने गलती की है, और कांग्रेस जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में आईसीएम में एआईसीसी में जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बात कर रहे हैं, विनोद वर्मा जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो छापा है विफल है, जो दिख रहा है, जो विनोद वर्मा जी कह रहे हैं, वास्तविक स्थिति जो हमारे दोनों भाई कह रहे हैं कि न्यायालय में निर्णय होगा और निष्पक्ष, अभी भी केंद्रीय एजेंसियों पर जनता का विश्वास है, जिसके ऊपर अभी छापा पड़े कांग्रेस, भाजपा, व्यापारी, उनमें से जो निर्णय क्या होता है वो न्यायालय महत्वपूर्ण है। न्यायालय में कितने लोग बरी हो पाते हैं, कितने लोगों को सजा मिलती है, इस तक लोगों को, आम लोग तो इंतजार करेंगे, लेकिन चुनाव जो आ रहा है उसको देखते हुए छत्तीसगढ़ में जो कार्रवाई हो रही, समय को लेकर बात आती है कि इस समय क्यों, जन्मदिन पर क्यों, अधिवेशन पर क्यों, ये सवाल है। लेकिन वास्तविक स्थिति जो है, जो छापा कोयले की घोटाले की बात है, शराब की,
की आप बात करेंगे तो महादेव एक के मामले में राज्य सरकार की पुलिस भी अपनी ओर से कार्रवाई कर रही है, तो बात यहाँ पे महादेव एक की बात नहीं है। जो मेन है शराब और कोयला घोटाले के साथ जिस तरह से राजनीतिक लोगों के ऊपर छापा पड़ रहा है, झारखंड में भी ऐसी छापा पड़ा है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस पूरे मामले में जो हम कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसा कर्म करेगा उसको फल मिलेगा, ये है, ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर के जो इतने करोड़ का घोटाला हो गया, 75 करोड़ का इनको मिल गया, ये आम लोगों का नहीं, आम लोगों को रिजल्ट है। पिछले चुनाव में आप देखेंगे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात आ रही थी सीडी को लेकर विनोद वर्मा जी के ऊपर कार्रवाई हुई, भूपेश बघेल जी के ऊपर कार्रवाई, इसका जनता में कितना असर हुआ उस कार्रवाई को, भूपेश बघेल जेल गए और लौट करके इतने भारी बहुमत से सीएम बन गए। तो जनता में वास्तविकता के असर होती है, वास्तविक क्या स्थिति है इस पर अभी कार्रवाई होना बाकी है, पूरी जांच रिपोर्ट क्या है सीडी को पता नहीं, अब ईडी भी जिस ढंग से कार्रवाई कर रही है तो उसमें वास्तविक जो चलान पुटअप हो रहा है वो हम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, चलान में किन बिंदुओं का छुआ गया है, किस प्रकार से रातें मिली, किस प्रकार से संबंध बताए जा रहे हैं, तो चलान पुटअप होते जा रही है, उसके बाद जो जिस तरह से उनको जमानत मिलती है नहीं मिलती, आगे न्यायालय में किस प्रकार से कार्रवाई आगे बढ़ती है महत्वपूर्ण है, लेकिन जो जीरो टॉलरेंस की बात होती है इस पर राजनीति से ऊपर उठकर कार्रवाई होना चाहिए, एजेंसियों पर लोगों का विश्वास बने रहे। जिस तरह संवैधानिक संस्था की बात करें तो राज्य सरकार भी एक संवैधानिक संस्था है, केंद्र सरकार की भी बात करें, राजभवन की बात करें, चाहे ये जांच एजेंसियों की बात करें, इस पर जनता का विश्वास बने रहना चाहिए, ये जिम्मेदारी राजनीतिक दलों के भी है, नहीं तो विश्वास अब राजनीतिक दलों के ऊपर हो रहा है तब तो आप उंगली उठा रहे, कल आम जनता व्यापारियों और उद्योगपति पर होती है तो उनकी आवाज कौन उठाएगा, ये बड़े सवाल उठ जाएगा। जी ईडी की विश्वसनीयता को लेके के जी जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं ये कितना गंभीर है, और वाकई में क्या ये विषय कि ईडी की छापेमारी कार्रवाई वहीं होती है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो ये जो पूरा सवाल है ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इसका कोई असर होगा कि नहीं होगा, और इसका जो असर अधिक समय में पड़ने वाला है या कहें बाद में पड़ने वाला है वो कितना गंभीर है, क्योंकि इसमें तो ये तय करना मुश्किल हो जाएगा ना कि कौन सही है कौन गलत है, क्या जानबूझ के किया जा रहा है, और वैसे भी कोई चोर ये नहीं कहता कि मैं चोर हूं, तो कैसे ये तय होगा। निश्चित रूप से जो कार्रवाई हो रही है राजनीति लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आज सरकार भाजपा की है एनडीए की है, कल इंडिया की सरकार बन जाएगी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, वो कार्रवाई हम तो चाहते हैं कि जो भाजपा शासन काल में नान घोटाले की बात हो रही है, इंदिरा बैंक की बात हो रही है, इसके आरोपियों पर कांग्रेस कार्रवाई करे और इनके रहते हुए कार्रवाई हो जाए, ये जनता भी चाहती है वास्तविकता सामने आए। उसी तरह से आज केंद्र में सरकार है, यदि विरोधियों पर होती है तो एक डर तो रहेगा कि हम सरकार में आएंगे तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई होगी, तो भय जो अपराध करेगा उस पर भय होना चाहिए, ये कानून भी कहता है, पुलिस का और न्यायालय का जो कानून व्यवस्था उसका भय होना चाहिए। और जहां तक कार्रवाई की बात है, निश्चित रूप से अभी जो कार्रवाई हो रही है कांग्रेस या विपक्षी दल के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है ये लोकतंत्र है, कल आपकी सरकार बनेगी आप कार्रवाई कीजिए, जनता यही चाहती है कि आप जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस तरह से संस्थाओं पर से यदि विश्वास उठेगा वो तो वो भी एक गंभीर विषय बनता है। अशोक जी बहुत संक्षेप में, वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली से AICC से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 500 करोड़ के घोटाले का आरोप कोयला स्कैम में लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की है उसमें सिर्फ 150 करोड़ तक का उन्होंने हिसाब किताब किया है, तो क्या वाकई में फिर इन संस्थाओं से विश्वास नहीं उठना चाहिए या लोगों के जहन में सवाल नहीं आना चाहिए। पूनम जी, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार होता है, चाहे 500 करोड़ हो, चाहे 1000 करोड़ हो, चाहे 150 करोड़। आरोप का जवाब क्यों ऐसा दे रहे हैं, ऐसा क्यों भाजपा पर आरोप लगा रहा है, ईडी पर क्यों ऐसा आरोप लगा रहा है, कोर्ट में चार्जशीट 150 करोड़ की करे, ये ध्यान देना चाहिए। वास्तव में भ्रष्टाचार हो गई है लगातार, यहाँ विकास कार्य बाधित हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ पूरा कर्जे में डुबा दिया गया है, और आज जनता सुखी नहीं है, जनता 450 करोड़ का कॉल स्कैम का आरोप लगता है और 150 करोड़ रुपए के अटैचमेंट दिखाते हैं, तो बाकी पैसा कहाँ गया? ईडी पर आरोप लगाकर ईडी ने झूठा आरोप लगाया आप लोगों के कहने पर, नहीं कर सकते, आप देख लीजिए ईडी पर आरोप लगाकर आप आरोप तो नहीं हो सकते। ये ध्यान अगर 150 करोड़ मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के दिवस पड़ा है, जब हुआ है मोदी तो गंभीर है ना मामला, इसका रिटर्न आप प्रदेश की जनता देगी,
इस नवंबर लालन पालन छत्तीसगढ़ का हो रहा है। चलिए तो देश की जनता देगी, बहुत दूर नहीं है, नवंबर और दिसंबर में नतीजे आएंगे, यही बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कह रहे थे। और देखना दिलचस्प होगा कि अब जनता किस पर विश्वास करती है और कौन वाकई में झूठ बोल रहा है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बैठक में हिस्सा बनने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।